जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना पड़ता है, उसी तरह से टिकटॉक आईडी पे वीडियो डालने से पहले कुछ सेटिंग करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोले कि ये सब सेटिंग कर लो, एक रोज़ में आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा हम हरगिज़ नहीं बोले। हम ये बोले कि टिकटॉक आईडी पे वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग उसमें करना पड़ता है। हम तो वीडियो वायरल करने का गारंटी यहाँ पे हम नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल सकता हूँ, ये सारी सेटिंग करने के बाद आपका टिकटॉक आईडी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, आपका वीडियो फॉर यू में आना स्टार्ट हो जाएगा। 100% आपका वीडियो आज नहीं तो कल दो हफ्ते के बाद 100% आपका वीडियो वायरल होगा। जब तक आप टिकटॉक का एल्गोरिथम को नहीं समझोगे, तब तक आपका वीडियो फॉर यू में नहीं चलेगा, तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से अपनी टिकटॉक आईडी को सही तरीके से सेटिंग करना, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलो मोबाइल के सीन भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं टिकटॉक को बेसिक सा सेटिंग, कौन सा सेटिंग कैसे सही तरीके से किया जाता है। तो हमारे साथ आप लोग एंड तक ऐसे बने रहे। अगर आप लोग भी टिकटॉक पे वीडियो बना के अपलोड करते हो 3 महीने से या 4 महीने से या 6 महीने से, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है, एक टिकटॉक अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन आप 4 महीने से वीडियो बना के अपलोड करते जा रहे हो, लेकिन आपका वीडियो एक भी फॉर यू में नहीं आ रहा है, तो 100% मैं बोल सकता हूँ आप अपने वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं कर पा रहे हो टिकटॉक पे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, मैं दिखाता हूँ टिकटॉक पे सही तरीके से वीडियो को कैसे पोस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टिकटॉक में आ जाना होगा, जिस वीडियो का आपको अपलोड करना होगा इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर लेना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जिस बारे में ये वीडियो में आप क्या बताए हो, किस बारे में, या लिप सिंक सॉन्ग पे आप वीडियो बनाए हो, या वीडियो में आप खुद से बोल के कुछ बता रहे हो, जो चीज़ आप वीडियो में बताए हो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होगा। लिखने के बाद जो चीज़ आप वीडियो में बताए हो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद ये होगी अब पहला स्टेप, 100% ये चीज़ आपको करना ही होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको देखिए हैशटैग यहाँ पे नज़र आ रहा है, हैशटैग पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे हैशटैग पे क्लिक करोगे, हैशटैग पे क्लिक करके वहाँ पे फॉर यू पे लिखना, एफ डालना, एफ जैसे डालोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर एफ वाई बी यानी फॉर यू का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। फॉर यू देखिए हमारा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा व्यूज है, 15, यहाँ पे देखिए कितना मिलियन में, बिलियन में, यहाँ पे बिलियन में व्यूज है। तो यहाँ पे आपको फॉर यू लेना है, उसके बाद फिर से हैशटैग इस्तेमाल करना है, उसके बाद ट्रेंडिंग पे आपको टी पे क्लिक कर देना है। तो ट्रेंडिंग पे यहाँ पे देखिए टिकटॉक पे देखिए कितना बिलियन व्यूज है यहाँ पे ट्रेंडिंग पे, 2000 बिलियन। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक एक ले देना है, फिर से हैशटैग पे आपको क्लिक कर देना है। हैशटैग पे क्लिक करने के बाद बिलियन पे आपको बी पे क्लिक, एक बार एक अक्षर आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद टिकटॉक फिर आपको टिकटॉक खुद से रिकमेंड करता है कि ये वाली हैशटैग आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करो। तो सबसे ज़्यादा व्यूज जिस पे देखिए यहाँ पे देखिए बी पे 15 बिलियन, देखिए 15 बिलियन व्यूज है। तो इसको यहाँ से हैशटैग पे ले लेना, फिर से हैशटैग इसी तरीके से या 10 या यहाँ पे टिकटॉक का हैशटैग करना, टी डालोगे तो टिकटॉक पे देखिए बहुत सारा मिल जाते हैं ट्रेंडिंग यहाँ पे हैशटैग मिल जाते हैं। इस वाले हैशटैग को 10-15 हैशटैग यहाँ से आपको यहाँ से 10-15 हैशटैग यहाँ से इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद देखिए और जो सबसे बड़ा बड़ा क्रिएटर है उस क्रिएटर को इस वीडियो में मेंशन करना होगा। मेंशन करने के लिए वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो जितने भी आपके जिसको भी आप फॉलो किए हो वो क्रिएटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस क्रिएटर को यहाँ से आपको मेंशन कर देना होगा अपने वीडियो में, फिर से एक को ले लेना होगा। फिर से एक को लेने के बाद देखिए हम आपको जावेद को मेंशन किए, फिर इसको मेंशन कर दिए, उसके बाद एक क्रिएटर को और भी हम मेंशन कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2-4 बड़ा बड़ा क्रिएटर को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। मेंशन करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे हम फर्स्ट में लिख चुके हैं कि हम वीडियो में क्या चीज़ बता रहे हैं, क्या चीज़ आपको हम दे रहे हैं वो चीज़ हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कौन सा एरिया में इस वीडियो को 100% कौन सा एरिया को आप टारगेट करना चाहते हो, जिस कौन सा एरिया को आप भेजना चाहते हो उसका यहाँ से आप लोकेशन पे, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ से लोकेशन आप सर्च करके यहाँ से लोकेशन भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ से देखिए लोकेशन उस एरिया का लोकेशन आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, अगर चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो
कौन सा आदमी के साथ यहाँ पे देखिए कौन कमेंट करना चाहते हैं आपके पोस्ट पे या नहीं करना चाहते, डुएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, स्टिच करना चाहते हैं आपके वीडियो के साथ या नहीं करना चाहते, तो उस हिसाब से आप अपने वीडियो को देख लेना कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं कर रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाले पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले ऑप्शन को आपको ऑन नहीं करना है, नीचे वाले ऑप्शन को ओनली रहने देना है, ये बराबर सेटिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ से बैक कर देना है आपको। बैक करने के बाद देखिए फाइनली ये वीडियो हमारा पोस्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको इस वीडियो को पब्लिश कर देना होगा। पब्लिश करने के बाद देखिए फाइनली ये वीडियो को हम यहाँ से हम पब्लिश कर चुके हैं। फाइनली अभी हमें पब्लिश नहीं करना है, तो समझ लो हम इस वीडियो को हम यहाँ से पब्लिश कर चुके हैं। तो देखिए पब्लिश करने के बाद हम अपने रियल टिकटॉक अकाउंट है हमारा, तो देख सकते हो हमारा टिकटॉक अकाउंट पे कितना फॉलोवर है। और देखिए यहाँ पे 4950 फॉलोवर है हमारा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना कम वीडियो है हमारा, 10 से 15 वीडियो मात्र है यहाँ पे, 20 वीडियो आपको नज़र आएगा, उससे ज़्यादा वीडियो हमारा नहीं है। क्योंकि जो हम अपना खुद का सॉन्ग खुद का कंटेंट यहाँ पे हम अपलोड करते, कोई गाना पे कोई लिप सिंक पे हम अपलोड नहीं करते, जो चीज़ हम यूट्यूब पे बताते वही वीडियो हम यहाँ भी अपलोड करते। तो देखिए बहुत सारा वीडियो हमारा वायरल भी जा रहा है, अच्छा खासा व्यूज इस वीडियो पे आ रहा है, ये हो गया। तो चलो अभी चलते हम दूसरा ट्रिक, इसमें दूसरा सेटिंग हम इम्पोर्टेंट सेटिंग वही है, वो सेटिंग तो आपको 100% करना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए देखिए यहाँ पे इस तरह के आपका टिकटॉक अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एनालिटिक पे आपको क्लिक कर देना होगा। एनालिटिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे एनालिटिक पे टिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है कि आपके वीडियो पे कितना व्यूज आ रहा है और कौन सा वीडियो आपका फॉर यू में चल रहा है, कौन सा वीडियो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन सा वीडियो कौन सा कंट्री से ज़्यादा देख रहे हैं, कौन सा एरिया का लोग ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सऊदी अरब 68% हम देख रहे हैं, यूके 15% देख रहे हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हो नेपाल 2% देख रहे हैं, कुवैत 3% देख रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हो ग्राफ। और वीडियो अपलोड करने का यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हो किस टाइम पे हमारा जो फॉलोवर है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो देखिए 7 AM 3 AM हो गया, 7 AM अगर बाद 11 AM 3 PM 7 PM 11 PM तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा, उसके बाद अकाउंट जो आप बनाए हो स्विच टू पड़ो अकाउंट में आपको अपने आईडी को बना लेना होगा। स्विच टू पड़ो अकाउंट अगर आपको नहीं बनाने आता है तो यहाँ से देखिए स्विच टू पड़ो अकाउंट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से देखिए आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सही तरीके से आप यहाँ पे वीडियो को पब्लिश कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन को हम यहाँ से बंद करके रखे हुए, कोई भी वीडियो हमारा डाउनलोड नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ से देखिए डुएट वाले भी हम एवरीवन पे हम क्लिक नहीं कर रखे हैं। एवरीवन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कोई भी बंदा हमारा वीडियो के साथ डुएट कर सकता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ से सेटिंग कर पाते हो। तो थोड़ा सा सेटिंग इस वीडियो में हम बताए हैं, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कमेंट करके अगर आप लोग बताओगे तो A to Z टिकटॉक का A to Z सेटिंग के हम एक प्रॉपर तरीके से हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जो आप लोग को भी हेल्प हो पाएगा टिकटॉक का A to Z सेटिंग कैसे किया जाता है। अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे तो 100% टिकटॉक का A to Z सेटिंग के बारे में हम अगले वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोगों।